अपॉन ए माइनस एक्स, तो सिंगल सिंगल अगर से पावर, तो सिंगल पावर में क्या पुट करेंगे, पुट इट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और पुट इट इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज नथिंग बट अगर सेटल के अंडर रूट में ए माइनस एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से सेम ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या पुट करेंगे, पुट इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा स्क्वायर। देन अब उसके बाद और सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा था हमने, ये फार्मूले कि कभी कैसे क्या आ गया कि 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर या फिर 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब आ गया, तो पुट एक्स इज इक्वल टू क्या साइन थीटा, क्योंकि ये तुमको साइन थीटा करने से कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा और यहाँ पे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर फिर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया या फिर तुम्हारे पास क्या आ गया प्लस का माइनस का उसका उल्टा 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स ऐसा आ गया, तो पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा स्क्वायर। उसके बाद 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि दोनों फॉर्मूले देगा आपने को tan 2 थीटा के, ये क्या देगा ये sin tan 2 थीटा, ये sin 2 थीटा, ये cos थीटा, कब वन मिलेगा जब हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा इज देयर आफ्टर टेकिंग x इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मींस sin 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मींस sin 2 थीटा, देन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, यहां पे तुम अगर से पुट x इक्वल टू sin थीटा करेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा तुमको क्या मिलेगा cos 2 थीटा का फार्मूला, 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा ये क्या मिलेगा sin 3 थीटा का फार्मूला, यहाँ पे अगर से पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला, और यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस 3 थीटा का फार्मूला। तो इस तरह अपन इतना सब्स्टिट्यूशन देखा, नाउ ऑन द बेस ऑफ दैट वन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन, ये बेस पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो अपना ये हो गया अच्छे से, सब में सब्स्टिट्यूशन तुमको याद है क्या आया था क्या पुट अप करेंगे, डबल एंगल के फार्मूला याद रखो जस्ट। सो देखो, सो व्हाट वी हैव टू टेक इन हियर, now we proceed to the next question. I think कुछ सारे आपने क्वेश्चन नंबर सांग कौन सा क्वेश्चन है, the last question सांग tell me the last question, three तीन डाले कौन तीन डाले चौथा नहीं डाले क्या चौथा तुम सांगा मुझे। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हें बोला पास सांगे है ना, तुम्ही पक्का पूरा सॉल्व कर बस सांगे कर सगाई में सब क्वेश्चन मत सोचिए बाकी सब तुमको मालूम है। अब बोलो यहाँ पे क्या रखूँ मैं, तो यहाँ पे तुम क्या कहते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले कॉन्स्टेंट है फिर फंक्शन है, तो क्या बताया मैंने पुट एक्स इक्वल टू क्या साइन थीटा, ये ऐसा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा या पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ए में है तो ए साइन थीटा और ए में है तो ए कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है ए की जगह, तो फिर क्या पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा होगी। व्हाई, तो पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है, अंडर रूट में पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन आया, तो क्या सब्स्टिट्यूशन पुट एक्स इक्वल टू ए अगर से तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, और वन है तो खाली साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, और मजा आया एकदम स्कूल को बताने की तो क्या पुट करो पुट एक्स इक्वल टू और बाय साइन थीटा इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो ये तुम्हारा हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर तुमको देगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकालो तो कितना मिलेगा डायरेक्ट का कॉस थीटा, राइट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, रूट के बाहर निकालो तो खाली कॉस थीटा, इसको देखो तो क्या मिला तुमको साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा है ना, साइन वर्स का साइन कैंसिल सिर्फ कितना मिला 4 थीटा, थीटा के प्लेस में थीटा क्यों लगा, तो यह थीटा तुम्हारा 2 इनटू थीटा मतलब कितना साइन इनवर्स ऑफ x इज देयर तुम्हारा y है। अब y के बाद इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इफ यू डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x व्हाट इज द प्रॉब्लम,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद ये तुमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, उसमें तो कॉन्स्टेंट है और साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा तो और अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। कोई खास बात कोई नहीं, सब्स्टिट्यूशन याद रखो बस। और सब्स्टिट्यूशन में मैंने कल बताया था, कैसे याद रखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, पहले कॉन्स्टेंट और फंक्शन आया तो पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। उसी तरीके से टैन इनवर्स ऑफ एक्स रेट क्या है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कॉन्स्टेंट और फंक्शन में एडिशन देंगे तो पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा या फिर कॉस थीटा, रूट क्या रूट में या फिर रूट के बाहर। उसी तरीके से सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, पहले फंक्शन फिर कॉन्स्टेंट है तो पुट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा या कॉस थीटा। उसी तरीके से बाद में तुमको साइन का डबल एंगल फॉर्मूला मालूम, साइन का ट्रिपल एंगल, कॉस का डबल एंगल, तब कॉस का ट्रिपल एंगल, तब टैन का ट्रिपल एंगल, चला इधर तुमको मालूम है तो तुमको ये पूरी एक्सरसाइज ली है आगे समझो। चलो अगला क्वेश्चन, अगर किसी ने इसने जैसे पता ऑप्शन में बता रहा साइन की जगह किसी ने अगर कॉस रख दिया तो क्या आने वाला है, कोई ज्यादा फर्क पड़े अंतर हो जाएगा है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पे वन माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तुमको वन माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब कितना sin स्क्वायर थीटा, बाहर तुम निकालेंगे तो कितना मिलेगा sin थीटा, इसे और इसके टू sin स्क्वायर थीटा, इसको तुम अलग अलग के टू कैंसिल करके थीटा के प्लेस पे cos इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। या फिर तुम उसको 90 माइनस टू भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला तो यहाँ पे सब कुछ कर रहे थे बता रहेगा क्या सीरियसली जी बताया तो प्लस में आएगा और कॉस में अगर सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा, राइट है। वेरी सिंपल वर्ड, कोई किसी को अगर कॉस पुट अप करने का है तो कॉस भी पुट अप करके उसका आंसर ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन Tell me the next question. What is the next question? अभी तो बच्चों का खेल है तो सबको मालूम है ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या बोलो, है ना। तुम्हें सांगा बोला अरे सांगा था आप क्वेश्चन मतलब भी सॉल्व करूँ देने तुम्हारे योग्य वाटेगा। एंगल बदल गया 3x माइनस 4x क्यूब और बाहर क्या है cos इनवर्स क्या है तो 4x इज इक्वल टू इस टेलिंग सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू sin थीटा फॉर्मूला ये थ्री साइन थीटा मैंने अभी बताया ना इसकी जगह पे ऐसा है तो क्या पुट अप करेंगे साइन थीटा पुट अप करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ ये होगा साइन का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। डोंट वरी अबाउट दैट, बाहर कॉस अंदर साइन है ना, टेंशन रहने की बात नहीं है अपने को, है ना। वी कैन कन्वर्ट साइन इनटू कॉस, कॉस ऑफ 90 माइनस 3 थीटा है ना, तो ये कितना मिला पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, थीटा के प्लस से थीटा के लिए थीटा कितना साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमारा वाई है, तो डिफरेंशिएट करेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बोलो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव कितना आ गया 0 माइनस 3 भी कॉन्स्टेंट है एज इट इज sin inverse of x square to 1 upon under root of 1 minus x square. So it has first
कुछ भी नहीं, सब कुछ नहीं आता। मैंने भी कल टेबल लिख के दिया, वो टेबल तुमको अगर अच्छे से मालूम हो गया हो गया तो तुम्हारी ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 1.2 का वो खत्म हो गया। इतना सिंपल है। ओके आई होप यू गॉट दैट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ मोस्ट ऑफ ई एस क्वेस, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन ठीक है। ये क्वेश्चंस अभी जो कर रहे हैं ये लास्ट क्वेश्चन 1.2 के, ये क्वेश्चन तुम्हारे पैरामेट्रिक को फिर से रिपीट है। पैरामेट्रिक फंक्शन में ये क्वेश्चन तुमको डबल से करने का है, इससे तुमको यहीं से अच्छा होगा तो तुम्हारे पैरामेट्रिक की एक्सरसाइज हो गई। ये याद रखो पैरामेट्रिक में क्या है, देखो पैरामेट्रिक में 1.3 और 1.2 और 1.3 का मिक्स मतलब तुम्हारे पैरामेट्रिक फंक्शन है। इसलिए तुमको अब जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, इसके बाद बहुत सिंपल है, तीन एक्सरसाइज है लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक। इसमें लॉगरिथमिक तो एकदम सिंपल है, बच्चे डूब जाएगा, इम्प्लिसिट उससे ज्यादा सिंपल है, सिर्फ पैरामेट्रिक को टाइम लगता है क्योंकि पैरामेट्रिक में दो दो फंक्शन रहते हैं, तो इनवर्स में इनवर्स का भी यूज होगा और तुम्हारा लॉगरिथमिक भी यूज होगा। इसलिए तुमको ये क्वेश्चन देखो डबल तुमको रिपीट है अगले एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले काम और इनवर्स ऑफ ये माइनस का है, पहले तो प्लस करेंगे अपन नीचे लाके। ओके अगेन दिस इज अ माइनस, यू कैन कन्वर्ट इन द प्लस वन। इसकी डिवीजन में कुछ नहीं मतलब वन है, इसकी डिवीजन में कुछ नहीं मतलब वन है, तो कौन सा रूट चेंज करता है वहां आंसर कौन सा होगा, ई एस प्लस ई एस प्लस ई एस प्लस प्लस माइनस वन अपॉन ई एस प्लस डिवाइड बाय इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दोनों का ये दोनों का ये दोनों का ये क्या है, क्या हो सब लोग हमारे पास बच गया और इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यस एनीबॉडी क्या सब कुछ हम लोग फॉर्मूला लिख दिया, तुम्हारे समझ में आया फॉर्मूला क्या है बोलो ना क्या पूरा फेस तो प्ले का मोबाइल यू टेन थीटा आई टेन थीटा सर टेन थीटा पुट करें आवाज पुट टेन थीटा कौन सा लगी ई रेस टू एक्स वो तो था ना गुड वेरी गुड पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आता तो केलं तुम्हाला कळलं असेल। इसलिए अपन ने ई रेस प्लस टेन थीटा पुट करने से तुमको क्या मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब cos उल्टा का फॉर्मूला और बाय cos इनवर्स उसका इंतजार कर रहा cos का cos इनवर्स cos गेट्स कैंसिल अगेन यू गॉट द आंसर। तो क्या करोगे फिर सबसे पहले काम इसमें तुम थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा कितना है बोलो वैसे ई रेस प्लस इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा इज इक्वल टू कितना टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू ये इंपॉर्टेंट था। फिर इसको सॉल्व करो तो ये तुमको मिला cos इनवर्स ऑफ माइनस एज इट इज ये हो गया 1 माइनस कितना मिला tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके तो ऐसे करने से तुमको क्या मिला cos इनवर्स ऑफ माइनस अंदर रहेगा ये होगा तुम्हारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला ठीक है। अभी cos थीटा का फॉर्मूला हो गया तब उसमें प्रॉब्लम क्या है देखो
अब यहाँ पर सिर्फ ये इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अब ये डायरेक्ट कॉस इनवर्स और ये कॉस कैंसिल नहीं होगा जब तक तुम इसको प्लस नहीं करेंगे। माइनस है तो पहले काम इसको प्लस करेंगे, फिर उसके बाद इसको कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करेंगे। तो फॉर दैट रीजन ये तुम बताया था तुम्हारा मगरमा फाइन करते थे अपने कॉस इनवर्स ऑफ कैन यू राइट माइनस कॉस टू टू के मतलब एच बी सी प्लस टू कॉस ऑफ फाइव माइनस टू भी था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता माइनस सेकंड और थर्ड में अपन पहले सेकंड लेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा राइट है। तो सबसे पहले ये माइनस का अपन ने क्या करें प्लस करें कॉस में ऊपर कॉस कैंसिल क्या बच गया देखो क्या बच गया यहाँ पे फाइव माइनस टू थीटा होगी। तो वाई कितना है फाइव माइनस टू थीटा थीटा के प्लस थीटा की वैल्यू रखो थीटा कितना है tan inverse of e raised to x इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से मल्टीप्लाई dy by dx y कांस्टेंट है डेढ़ टू जीरो आ गया माइनस टू कांस्टेंट tan inverse of 1 by tan inverse of e raised to x डेढ़ टू 1 upon 1 plus एंगल में क्या है e raised to x को e raised to x का स्क्वायर और फिर से एंगल का डेढ़ टू e raised to x का डेढ़ टू। अब ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं है ना कि tan inverse of e raised to x एंगल में e raised to x तो फार्मूला क्या है tan inverse of x का फार्मूला क्या रहता 1 upon 1 plus x square और डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहता 1 मगर एंगल में e raised to x तो फार्मूला क्या मिलेगा 1 upon 1 plus x के लिए पे e raised to x का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ e raised to x का। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट हियर सॉल्व करने के बाद आंसर आया लास्ट में माइनस 2 upon 1 plus e raised to x का स्क्वायर को अपन e raised to 2 x भी लिख सकते हैं ठीक है और e raised to x का वैल्यू e raised to x। सो इट इज योर फाइनल आंसर वेरी सिंपल वन। मैं अपन यहां पे सबसे पहले अपन इसको सिंपलीफाई कर यहां पे ऐसा अगर से दिख गया तो फार्मूला है अभी तो फार्मूले में नहीं है इससे माइनस कॉमन निकाले अपन माइनस कॉमन निकाल पे ये दिख गया 1 अंदर आ माइनस कॉमन निकाल पे ये पहले 1 आ गया और ये बाद में चले गया ये यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पर इसको देखिए अपन ने कि अगर से ये रेस्टोर से लिए पे तुमने टैन थीटा रखेंगे तो तुमको ये फॉर्मूला क्या मिलेगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो कि फॉर्मूला है कॉस थीटा। अब यहाँ पर अपन गड़बड़ नहीं करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल की ये जब तक कैंसिल नहीं होता जब तक ये प्लस नहीं होता तो प्लस करने के वक्त अपने राइट एंगल का यूज करें माइनस कॉस टू थीटा को ही इसे भी लिखना है तो क्या लिखेगा कॉस फाइव माइनस टू थीटा मतलब कितना माइनस कॉस टू थीटा। ऐसा करने से cos inverse cos कैंसिल सिर्फ बच गया 5 माइनस 2 थीटा पाई एज इट इज वर्ड इट इज थीटा के प्लस पे थीटा की वैल्यू ये tan inverse of e raised to x का डिफरेंशिएशन। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था मतलब थोड़ा बड़ा था अब यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दिया सकता अगले क्वेश्चन को किसी ने अगर से बोल दिया sin inverse तो सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा ये सबसे बढ़ेगा सबसे बढ़ेगा यहाँ पे sin inverse अगर है और अंदर cos में आया तो cos को तुम क्या लिखेंगे एंटी माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो ठीक है। तो इससे क्वेश्चन तो वेरी सिंपल हूँ पढ़ा लगा तुम्हारा यस आई वॉन्ट इट बच्चे ताला यस सर वेरी सर का जे मोबाइल फोन लोकात पता है टेनिस का टी क्वेश्चन मला सांगा हे सांग सर वाई टू कोड वाई और सिल्वर का आता त्याने बघितलं बघितलं सांगता भाई की त्यावर काय करायला पाहिजे ठीक आहे लक्षात आलं का काय करते है ना फॉर्मुला तुम्हाला अरे बघ बाहेर आहे कॉस इनवर्स अंदर कॉस उसका इंतजार करा कॉस या फिर साइन में आएगा साइन में आया तो चलेगा कॉस का चलेगा मगर ऐसा फॉर्मूला साइन का नहीं है ऐसा फॉर्मूला कॉस का है वो तो फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो तुम ला सकते हो क्या करो बोलो यस वेरी गुड यस संदीप मैन डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल्स टू कॉस संदीप जाधव का मोबाइल में दो क्लास संदीप संदीप पुढे गेला इथे दिसायला ते संदीप आहे सर आहे आहे की म्हणून काय करू कुर लिख सकते बस 9x ला मला कधी तरी सांग ये रेस टू एक्स स्क्वेअर आणि हा पुन्हा हा 9 ला कधी तरी मला 3x टू एक्स स्क्वेअर संपला एवढंच महत्वाचं होतं संपलं आता कोणा सांगता येईल की मला काय करावं लागेल पुट
फुट हा पूर्वच जागी थ्री रेस टू एक्स जागी काय घेता येईल टॅन थीटा लागेल क्यू थीटाची किंमत काढणार थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ थ्री रेस टू एक्स संपला मायनस ट्वेल्व चालते कारण की फॉर्म्युला वन मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा आणि वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा मध्येच करू शकतो कारण का बाहेर कॉस बसलेला आहे म्हणणार फॉर्म्युला एकतर कॉस मध्ये किंवा साईन मध्ये असा साईन मध्ये फॉर्म्युलाच नाही फक्त कॉसच्या डबल अँगल मध्ये असा फॉर्म्युला आहे पहिली नाईन एस प्लस आपण एसरी कॉस इनवर्स ऑफ वन मायनस मधील फॉर्म्युला है ना ते टॅन थीटा का स्क्वेअर टॅन थीटा का स्क्वेअर वन प्लस टॅन स्क्वेअर आता वंदना सिंपल ये तुमको फॉर्मूला क्या मिला कॉस टू थीटा का है ना कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल वाई कितना आएगा तुम्हारा टू थीटा थीटा के प्लेस पर थीटा के बराबर थीटा कितना है टैन इनवर्स ऑफ थ्री रेस टू एक्स करो उसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर से करें इसका तो डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू tan inverse of 3 raised to x square root 1 upon 1 plus 3 raised to x square or angle ka derivative matlab 3 raised to x square derivative to final kitna aayega 2 upon 3 raised to x square abhi kare apni kitna aata 9 raised to x aur 3 raised to x square kitna 3 raised to x into kitna log 3 square hai na exponential function hai this base ka log base kitna hai 3 log 3 square ये किसी को समझ इसको अपन ऐसे क्यों ले सकते हैं देखो अभी ये नाइन रेस टू एक्स का तुम्हारा थ्री रेस टू एक्स एस पर काली था इधर कंट्रोल अस्पी तुम्हारा हाँ चला थ्री रेस टू एक्स का पावर नो एक मिनट चला ये उसी दाखो तुम कौन पूरे दाखो ये आंसर आ रहा है ये तो काली दाखो तुम्हीं साक्षी साक्षी तो � जिसको ये नहीं समझा कि नाइन रेस टू एक्स को तुमने थ्री रेस टू एक्स का क्यों नहीं किया बोले तो कैसा नाइन रेस टू एक्स मैंने दी बट थ्री रेस टू एक्स का स्क्वायर तुमको इंडेक्स करो मालूम होना तो ये इंडेक्स में ये पावर इधर जाएगा मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी ऐसे ही सीधे थ्री का पावर टू और इसका पावर कितना एक्स है ना एम इंटू एन और एम इंटू एम एम एन को अपन चेंज कर सकते हैं कितना मिला ना तीन का पावर दो मतलब नौ का पावर एक्स So because of that, 9 raised to x can be written as 3 raised to x का square, है ना? तो जब इसका अपन interchange करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, x इधर चले जाएगा और 3 का power तो मतलब कितना 9 raised to x का. Because of that, this 9 raised to x can be written as 3 raised to x का square है ना? 3 का power 2 और 9 का power में x. 3 का power 2 मतलब 9 का power में x. I hope you got that one. कौन में आया थी उम्मीद है? What is the next question? आपको बहुत simple simple question है आपको इसमें कुछ ऐसी खास बात तो नहीं है देखेंगे उसको कितने लोग इसको solve कर सकते हैं very simple question था आपके अरे वो ही पढ़ा लगा students ये solve में आया सबके yes is there any difficulty अच्छा था लगा yes sir okay चलो ओके जाधव इंगळे सरकार नको वल्लमळा पण नको सुतार नको कोण सांगेल याचं उत्तर प्रणिता प्रणिता आहे का प्रणिता साहेब क्वेश्चन ऑफ 1 minus 25x square 1 plus 25x square is there. हाँ परिणीता साड़ी आप क्वेश्चन आए लेकिन परिणीता में पक्कू कर दे बाकी सेकंड आए कैसा सर बहुत सांते ही का ओके फाइव एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा फाइव एक्स होल स्क्वायर आहे ना ऑनलाईन प्रणिता सांगा आहे का ऐका आहेत का तुम्ही आवाज येत नाही का
ठीक है, आप क्वेश्चन अजून कोणी? हाँ आमिना तहरीन बोलो क्या इसका आंसर? यस, अरे क्या बात है, आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो क्या करो, आवाज देता है का? ऐश्वर्या सालमोटे मुलींसाठी प्रश्न आहे. और बाहर साइन है कोई बात नहीं, अंदर कॉस है और बाहर साइन है तो अपन 90 माइनस थीटा करके कर सकते हैं. इसमें क्या प्रॉब्लम? इसको मैच लिखूंगा 25 एक्स स्क्वायर को किसी भी दिशा में तो 25 नहीं है, 5x का पावर 2 है. रेडी, ये 25 नहीं है, ये कितना है? 5x का पावर 2. एकदम अब मैं यहाँ पुट करूंगा, पुट ये पूरा 5x इज इक्वल टू 10 थीटा. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? And inverse of 5x. बस ठीक है, इस पर तो एकदम सिंपल है. सिर्फ पहले स्टेप में तुम्हारा दिमाग रहना चाहिए, बाकी सबको तो यहाँ से सब पावर सॉल्व करने. ये कितना मिला? साइन इनवर्स ऑफ ये कितना मिला? 1 - tan²θ. अब तो बस सेम वही राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हम पहले से कर रहे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ तुमको स्टार्टिंग के स्टेप आना चाहिए बस. तो तुमको क्या मिला? साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा. तो कोई बात नहीं, बाहर साइन अंदर कॉस, या हैप्पी अपन खुश है. क्यों खुश है? क्योंकि इन दोनों में क्या है, कॉस को अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसा? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बन गए. तो साइन से साइन ऑफ कैंसिल, कितना बचा? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के प्लस थीटा की वैल्यू थीटा कितना है? टेन इनवर्स ऑफ पाई एस प्लस कितना वाई. आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट तो सबको आता है. बोलो फिर डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेट होगा dy / dx. pi / 2 कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, टोटल वैल्यू 0, 2 कांस्टेंट, tan ऑफ पाई स्क्वायर का वैल्यू 1 / 1 + पाई स्क्वायर का स्क्वायर, और डेरिवेटिव इसका एंगल का डेरिवेटिव पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव. एकदम सिंपल है ना, tan ऑफ एनी फंक्शन 1/1 + 4 फंक्शन का स्क्वायर, और फिर से उसके एंगल का डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन था माइनस 2 1 + पाई स्क्वायर का स्क्वायर भी इसमें लिखा हुआ, तो वो है पाई स्क्वायर x का क्या है? पाई x रखा है, इस पर हम ये x आधा कर सकते हैं. 5x और ये 5x का स्क्वायर, तो कौन सा जैसे इसमें है 25 स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ पाई स्क्वायर x मतलब इसका पार्ट स्टार्टिंग के दो स्टेप इम्पोर्टेंट है. चलो अब देखो, वो नहीं आया होगा कम से कम, तो इसका वो देखो देखेंगे इनसे कितना आंसर बोल सकते हैं. साइन इनवर्स ऑफ 4x + 2 x + 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 raised to 4. अब इसका देखेंगे कितने लोग इसका आंसर हो सकते हैं. बाहर साइन इनवर्स है तो तुम्हारा दिमाग क्या चलना चाहिए? एक तो ये साइन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा या फिर कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. कॉस में ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हारा समझ आएगा क्या है. और फिर सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई करने से मेरे को मिलेगा ये साइन इनवर्स. कैरेक्टर रेंज इसके दोनों जो पावर में है तो ये हो गया 4x² 4 का पावर 1/2.
अब ये तो बेसिक मालूम है ना, थ्री डैश का रूल, 4x2x 4 का पावर 1/2। और नीचे नीचे कोई इसको देख रहा होगा, ये 2x4x नहीं है, फिर क्या है, फिर क्या है, और 2x4x क्या लिखूं, ये सेमी बॉडी, व्हाट यू कैन राइट हियर, 2x4x कैसे लिखूं, कितना जेवढं ऑनलाईन आहे त्याच्यामध्ये सांगा, पण ठीक याला मी लिहिते, आता बघा पुढची स्टेप त्याला राहू कसली साईन वर्क ऑफ सगळ्यांना माहिती, 4 का पॉवर 1/2 मतलब 4 रूट में, 4 का रूट कितना निकला, 2। अब बोलो तुम क्या अंकों में, 2 × 4x1+ यस 1+ 2 × 1/4x 3 2x2 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 4x2 2x। मला फॉर्म्युला फॉर्म्युला कळाला का, कोणता फॉर्म्युला बसणार, फॉर्म्युला कळाला का, हे फॉर्म्युला बद्दल बसणार, 2 tan θ / 1 tan²θ, म्हणजे आपल्याला 4x2x चा काय पाहिजे, स्क्वेअर पाहिजे। तर बघा आता हे स्टेप बघा महत्वाचे, आपल्याला ह्या 2x4x ला म्हणून ते 4x2x चा फॉर्म मध्ये आणायचा, तर कॅन यू राईट दिस कॅन आता मी पहिले लिहिलं पण होतं 2x2 पॉवर 2x, म्हणजे पहिले समजून घ्या, नाही समजावं तर देखो 2 का पॉवर 2, और ये 2 तो एज इट इज है, खाली ये 4x का बनेगा इसलिए कि 2 × 2x, चलो 2 × 2x इतना आएगा 4x, चला ना चला आएगा ना, आता हुआ ऐसा रिक्वेस्ट है, ये 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, और 4 के पावर में कितना 2x, तो 4 का पावर 2x है, तो तुम ये 4 का पावर 2x तो जिस तरह दिख रहा होगा, तो इसको तुम और ऐसे ले सकते हो, 4x का पावर कितना 2x। बघा तीन स्टेप महत्वाचे आहे, पुन्हा सांगतो मी ज्याला नाही कळाला त्यांच्यासाठी, केवळ पहिले पॉवरला वाटून दिलं, त्यानंतर इथे काय केलं आपण, पॉवर को बाकी जी 4 का पॉवर 1/2 मतलब 2 tan θ मतलब यहाँ पे बिल्कुल 4x का स्क्वायर होना, तो 4x का स्क्वायर होना, इसलिए अपन ये टर्म से 4x का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, 4x को तुम लिख सकते हो 2 का पावर 2, और ये पावर कितना 2x, 2 × 2 फिर से कितना है 4x। अगेन ये स्टेप पर 4 का पावर 1/2 मतलब 2, और ये कितना मिला 4x 1+। अब ये अगर से 4x है तो फार्मूला क्या है, 2 tan θ / 1 tan²θ, मतलब यहाँ पे क्या होना 4x का स्क्वायर होना, तो 4x का स्क्वायर मतलब बिल्कुल तुम लिख सकते कि 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, और 2x मतलब कोई इसको ऐसे भी सकता है, इसका पावर 2, तो x into 2 फिर से कितना मिलेगा 2x मिल गया। बस ठीक है, तुम आप क्या करो, पुटा पुट 4x इज इक्वल टू क्या tan थीटा, तो इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स ऑफ 4x। बस इसके बाद सबको मालूम है क्या करेंगे, है ना, इसके बाद तो कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये सब इंपॉर्टेंट थी कि इसको तुम कैसे लिख सकते हो, बस ये समझ में आया क्या बोल रहे हो,
4x tan theta है, 2 का पावर 2 उसका पावर 2x, कारण देखो 2 into 2x टेबल से कितना आया 4x से। अब फार्मूले में समझ में आया कि इसकी जगह पे 2 आ गया, कारण 4 का पावर 1 बटे 2 मतलब रूट में 4, रूट में 4 मतलब कितना आ गया 2, और 4x को चले तो फार्म में क्या मिलेगा 2 tan theta अपॉन 1 plus tan square theta। तो यहां पे अपन ने 4x को स्केल कर के फॉर्म में इसको लिखे, ओके तो y कितना मिला sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। एक फॉर्मूला यार क्या होता हो, इट इज नथिंग बट sin 2 theta इज देयर, तो sin और sin कैंसिल, तो क्या बच गया 2 theta, तो theta के प्लेस पे theta की वैल्यू theta कितना है बोलो tan inverse of 4x to x इज देयर। बस ये y को डिफरेंशिएट करो।